जंग। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रूबी का जायका। तो आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाना लोग समझते हैं कि बहुत टफ है, उसे हम आसान तरीके से बताएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सीख कबाब। उसके लिए हमने ये मटन के पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है, इस तरह से फैलाना है, चौड़ा करना है इस तरह से। अब इसको हम धो करके इस तरह से छान के हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि सारा पानी इसका बाहर आ जाए। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह सिर्फ कोयले पे बनता है, तो आज हम इसे गैस पर बनाएंगे। ना कोई ओवन की जरूरत है, ना तंदूर की जरूरत है, इसे हम गैस चूल्हे पे ही बनाएंगे। तो अब हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो तकरीबन 500 ग्राम हमने मीट लिया है, उसके लिए हम ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये 3 हरी मिर्च है और बाकी ये लाल मिर्च है। आप लोगों को अगर सिर्फ लाल पसंद हो लाल डालें, हरी पसंद हो हरी डालें, वैसे लाल से इसका कलर अच्छा आएगा। तो ये कच्चा पपीता है, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये लेना बहुत ही जरूरी है। ये हमने इतना बड़ा टुकड़ा लिया है 500 ग्राम मीट के लिए। अगर ये रॉ पपीता एकदम फ्रेश हो, ताजा हो, जब इसमें से दूध निकलता हो, तो इससे हम कम लेंगे, आधा लेंगे। और अगर जल्दी बनाना हो तो आप इतना ले सकते हैं। हमें तो ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखना है, लेकिन पपीता हमारा फ्रेश नहीं है, इसलिए हमने इतना दिया है। एक ये लहसुन है, एक प्याज है, ये पोस्ता दाना है जिसे पॉपी सीड कहते हैं, और ये काली मिर्च है, कुछ लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची है। तो इसका अब हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, सूखा ही हमें पीसना है। तो मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे अब मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। मसाले इस तरह से सूखा होना चाहिए। अगर गीला हो जाए आपका मसाला तो छन्ने से पानी को छान लीजिए, उसके बाद इसमें डालिए। अभी ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं है, सिर्फ इससे कलर आएगा। अगर ये ना हो आप लोगों के पास तो इसे स्किप कर दें और ऑरेंज फूड कलर डाल दें। ये 2 टीस्पून हमने दही लिया है, इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसे भी ऐड करेंगे इसमें। ये सरसों तेल है, 2 बड़े चम्मच इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। पपीता जरूर डालना है, वरना ये गलेगा नहीं, पपीता का काम है इसे गलाना। तो इसे हम मिक्स करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मसल मसल के मिलाना है, इसमें नमक अभी ऐड नहीं करना है। जिस टाइम पे हमें बनाना हो नमक, जस्ट उसी टाइम हम मिक्स करेंगे, वरना इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। इस तरह से सारे पीस में ऊपर नीचे कर।
तो अभी हमने इसे लो फ्लेम पे रखा है, थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा तो इसे हम मीडियम कर देंगे। उसके बाद मीडियम टू हाई करके इसके पानी को हम सुखा लेंगे। तो ये देखिए इसमें से पानी रिलीज होने लगा है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, इसे पलट के हम हाई टू मीडियम पे इस पानी को सुखा लेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है, ये हमें लगता था कि बहुत टफ है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसानी से हमें कबाब खाने मिल जाएगा। तो अब हमने हाई फ्लेम कर दिया है इसे। पपीता हमने डाला है तो ये ऑलरेडी गला हुआ है, बस इसके पानी को सुखा कर इसे हमें रोस्ट करना है। ये देखिए पानी इसका सूख गया है। तो अब इसे हम लो फ्लेम करके 5 मिनट तक इसे इस तरह से पलटते हुए लाल करेंगे। डायरेक्ट हम गैस पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि गैस का छेद जो है वो बंद हो जाता है और चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए ये तरीका आप लोग अपनाएं, ये बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। तो इसे लो फ्लेम पे हमने रखा था, तो ये देखिए अंदर का थोड़ा पानी और होगा, वो पानी निकला है बाहर। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे इस पानी को सुखा लेंगे इस तरह से। कलर देखिए कितनी अच्छी आई है, इसकी खुशबू तो मत पूछिए, पूरे घर में फैली हुई है। तो पूरा पानी सूख गया है इसका, देखिए इसका कलर भी अच्छा आया है और ये गल गया है बिल्कुल इस तरह से, हम तोड़ के देख सकते हैं इसे, देखिए ये टूट रहा है। तो इसे अब हम फ्लेम से हटा देते हैं और इसे फ्लेम पे एक काम और करना है। देखिए हाई फ्लेम करके इस तरह से हम इसे घुमाते हुए इसे सेक लेंगे। इसे घुमा घुमा के इस तरह से पलट पलट के हम सेकेंगे ऐसे। तो ये सिक गया है अच्छे से, इसका कलर आप लोग देख लीजिए। इस पे हम हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल लगा देंगे। आप लोग ब्रश से भी लगा सकते हैं। ये लास्ट स्टेज में करना है। अब ये तैयार हो गया। तो ये देखिए तवा कितना हमारा गंदा हो गया, अगर ये डायरेक्ट चूल्हा पे बनता तो चूल्हा भी हमारा नहीं गंदा होता। तो अब इसे हम इस पे रख देते हैं इन चारों को। अब ये कोयला पे बनने वाला है, इसे तो हमें स्मोकी फ्लेवर देना होगा। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने ये अल्मोनियम फॉयल है ये हमारा, इसको इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है, इस पे इसे रख देंगे। ये गरम कोयला है, दूसरी तरफ हमने चढ़ाया था इसे, इसे इसमें डालेंगे। इस पे हम थोड़ा सा ये घी डालेंगे। और इसे इस तरह से ढक देंगे। ये देखिए स्मोक पूरा फैल गया इसमें, इसे अब हम हटा लेते हैं। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोगों के पास ये ना हो कोयला तो ये कोई जरूरी नहीं, वैसे भी ये बहुत ही अच्छी मजेदार होने वाली बनी है ये। तो इस तरह से आप लोग ट्राई करें, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी ये। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा माउथ वाटरिंग कबाब तैयार है, पूरे घर में हमारी खुशबू फैल रही है और मुंह में पानी आ रही है। तो आप लोग भी इस जायके का लुत्फ उठाइए और हमें याद रखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।